अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ये डिजाइनर जी, एक बार फिर हाजिर हूँ इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल लेकर। आज जो है हम इलस्ट्रेटर पे ब्लेंड टूल्स पढ़ने वाले हैं कि ब्लेंड टूल को हम किस तरह यूज करते हैं, इसका हमें क्या बेनिफिट होता है, और इससे जो है वो बहुत ही हमारे जो हम जो है वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लाइन आर्ट वगैरह देखते हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो इलस्ट्रेटर पे आ जाता हूँ। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आके मैं एक लेफ्ट टूल लेकर यहाँ एक लेफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से जो है वो फ्रंट पेस्ट हो रहा है। देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो इस दूसरे वाला लेफ्ट से इसको बिल्कुल छोटा कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, इसको छोटा करने की क्या वजह है, अब मैं आपके सामने इसकी वजह जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, यहाँ मैं आ रहा हूँ ब्लेंड में। जैसे ब्लेंड में आऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेक आ रहा है, मेक। ठीक है, डायरेक्ट मेक कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसने क्या किया है कि इसने जो है वह हमें खुद ही लाइन्स क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक परफेक्ट शेप चाह रहा हूँ कि एक एक एलिप्सो, फिर एक एलिप्सो, और उन सब का जो है वो फासला भी इक्वल हो, तो मैं कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल एफ करूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, बार बार इसको रिपीट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं एक दफा जो है वो ब्लेंड टूल का इस्तेमाल कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि देख रहे हैं खुद ब खुद इसने जो है मल्टीपल कॉपीज बना के हमें दे दी है। अब क्या है हमारे पास कि हम इसके अंदर और भी एडिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर आकर हम जो है ब्लेंड में जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ब्लेंड ऑप्शन, जैसे भी यहाँ क्लिक करूंगा ना, ये जो देख सकते हैं जो लाइनें इसने जो ऑटो क्रिएट की हैं वो कितनी जनरेट की हैं, 10। ठीक है, अब मैं यहाँ आकर जो है वो इसे 50 कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक हो गया, देखिए क्या कर रहा है, कितना जबरदस्त सा एक जो है लाइन आर्ट यहाँ बन के हमारे सामने आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम चाहे तो इसे एज अ पैटर्न यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ एक और चीज करने लगे हैं कि इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, इससे मैं जो है वो छोटा कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक और चीज करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को जो है वो ब्लेंड करने लगा हूँ। तो मैं इसकी कॉपी ले ली, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, फिर मैं जा रहा हूँ ब्लेंड में, नाउ मैं कर रहा हूँ मेक। तो अब देख सकते हैं इस वक्त एक बिल्कुल ही अलग सा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर सामने आ गया हमारे। ये बेसिक जिस तरह से जो है वो लाइन आर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं जरा इसे यहाँ से रिमूव करूँ। एक और चीज आपको बताता चलूं कि अगर जो मिसाल है मैं यहाँ पर फिर से जो है वो लेफ्ट ड्रॉ करने लगा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इसे जो है वो दूसरा लेफ्ट में बना लिया है, इसे छोटा कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जो लाइंस बनाई थी, मैं एक बार फिर से वही लाइंस क्रिएट करने लगा हूँ ताकि एक चीज मुझे आपको समझानी है। अब देखिए अगर मैं चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं इसमें से कोई एक जो है वो सर्कल उठा लूँ, तो मैं नहीं पिक कर सकता। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये जो है एक्सपेंड नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं इसमें से कोई सी भी जो है वो मिसाल के तौर पर ये जो राउंड आ रहा है ये राउंड पिक कर लूँ, तो ये राउंड पिक नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ पिक, सिर्फ इसे कर सकता हूँ और इसे कर सकता हूँ। ठीक है, और वो भी क्या करेगा, वो इसकी डिजाइन खराब कर देगा। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन क्या हो रही है, कि वो बेसिकली वहां से शुरू हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास बताया था जो हम ब्लेंड टूल थ्रू कर रहे थे। तो देखिए ये क्या हो रहा है बेसिकली, कि ये इसको खराब कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये खराब भी ना हो और मैं अपने हिसाब से जो है किसी सर्कल को पिक कर लूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर एडिट ऑब्जेक्ट में आना है। ऑब्जेक्ट में आने के बाद जो है एक्सपेंड करना है इन्हें। ठीक है, एक्सपेंड जैसे हम करेंगे, अब क्या ही कह रहा है, ओके कर दे इसे। अब जब इसे ओके कर देते हैं तो अब क्या है, ये सारी आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो रहे हैं। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से अनग्रुप करूंगा। जैसे मैं इसे अनग्रुप करूंगा तो अब क्या है कि मैं कोई भी सर्कल जो है इसमें से उठाकर किधर भी यूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक हो गया, तो इससे देखें कितना हम बेनिफिट रहता है कि अगर हम इतने सारे जो है वो सर्कल क्रिएट करें, इससे कहीं बेहतर ये कि हम इजिली ब्लेंड टूल के थ्रू जो है वो सर्कल बना लें और फिर उसे एक्सपेंड करके हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया था। ठीक हो गया, तो इसे मैं यहाँ से जरा रिमूव कर रहा हूँ और इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। इसी के साथ एक और चीज है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर फिर से एक लेफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और इस दफा जो है मैं छोटा लेफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें मैं जो है वो एक कलर फिल कर रहा हूँ और स्ट्रोक इसका नन कर देता हूँ, और इसी के साथ जो है वो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ में जो है एक और
लेस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी साइज में जो है थोड़ी छोटी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से हम ब्लेंड टूल के थ्रू ही जो वर्क करने वाले हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, ब्लेंड में आ रहे हैं और मेक। तो अब देख सकते हैं इसने क्या किया है कि इसने ऑटोमेटिकली जो है वो डॉट जनरेट कर दिए हैं, जैसे हम डॉटेड बैकग्राउंड वगैरह बनाते हैं। ठीक हो गया, हम इससे भी जो है पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जी ये क्या कर रहा है बेसिकली कि इसने ऑटोमेटिकली डॉट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब इससे इतने डॉट्स क्यों क्रिएट किए हैं, जाहिर है कि वहां पर जो है वो इसकी अमाउंट फिक्स हुई हुई है। तो हमें क्या करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आना है और फिर से जो है ब्लेंड ऑप्शन में जाना है और यहाँ आकर जो है वो इसकी वैल्यूज जो है ज्यादा कम हम कर सकते हैं। मिसाल 50 दे दूँ। देखिए ये क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पर एक सॉलिड लाइन की तरह ये बन के हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको 15 ही रखना चाह रहा, 30 कर देते हैं। मिसाल है, प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। ओके, नाउ मैं इसी को रहने देता हूँ फिलहाल। इसके अंदर देखें एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो ये कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक शेप के ऊपर ये पूरा जो है वो आ जाए, जब मैंने क्रिएट किया सारे शेप के ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ इजीली जो है वो एक लेस ड्रॉ कर रहा हूँ। कलर ऑफ कर देते हैं और फिर भी इसको कॉपी रहने देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आने के बाद जा रहा हूँ ब्लेंड में और नाउ यहाँ पर रिप्लेस स्पाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इस पर अप्लाई हो जाएगा इजीली। तो कितना अच्छे से जो है हम इसको इस पर अप्लाई कर चुके हैं। ठीक हो गया, अब हम चाहते हैं कि इसको हम जो है वो अगर इसमें से डॉट्स हम अलग अलग करना चाहते हैं तो वही ट्रिक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और इसे यूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको उठा के इस तरफ करता हूँ तो देख सकते हैं इसकी सेटिंग जो है वो हर दफा चेंज होती रहेगी, जैसे कि हमने लास्ट किया था। ये देखें यहाँ से मैं इसको, सॉरी यहाँ पर इसको जो है वो सिलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूँ। देखें ये क्या हुआ है, इसकी सेटिंग पूरी तरह चेंज हो चुकी है। ठीक हो गया, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं मुझे इस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ इसको थोड़ा कर्व करके इसी की कॉपी लेकर अब जो है वो इसको थोड़ा और मजीद राउंड करने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है वो हमने एक अच्छी सी जो है वो डिजाइन भी क्रिएट कर ली है ब्लेंड टूल के थ्रू। देखेंगे ब्लेंड टूल कितना ज्यादा हेल्पफुल है और इससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेंड टूल बेसिकली क्या कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को रिपीट भी कर देता है और फिर जो है उसे हम ऑब्जेक्ट को जो है वो एक्सपेंड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो इस तरह जो है हम अच्छे से पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रेड कलर दे रहा हूँ एक, और एक और मैं एक और यहाँ से इलिप्स लेकर इसका जो है इस वक्त कलर में देता हूँ ब्लू। ठीक हो गया, अब आकर मैं इन दोनों का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आता हूँ ऑब्जेक्ट में। नाउ मैं यहाँ आने के बाद जो है वो ब्लेंड में जा रहा हूँ, ब्लेंड में आने के बाद मेक कर रहा हूँ। देखिए ये क्या किया कि इसने इसके कलर थीम बना के हमें दे दिए। ठीक हो गया, अब अगर मैं फिर से ब्लेंड में जाऊँ, यहाँ पर आकर ऑप्शन में जाऊँ और मैं इसे कहूँ कि मुझे ज्यादा थीम चाहिए, मिसाल तौर पर 20 चाहिए, तो इसने क्या किया कि इसके पास जितनी अवेल होंगी उतनी हमें शो कर देगा। ठीक हो गया, जितनी इसके पास अवेल होती है उतनी शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 50 मेंशन कर दूँ मिसाल है और प्रीव्यू देखूँ, प्रीव्यू में देखिए आएगी जरूर, लेकिन जाहिर है खैर हम इसे अलग अलग कलर पिक नहीं कर सकते। और अगर हम बिल्कुल अलग अलग चाह रहे हैं कि हमारे पास वन बाय वन डॉट आ जाए, अगर 7 कर दूं मिसाल के तौर पर, तो देखिए ये क्या कर रहा है बेसिकली कि यहाँ पर इसने अलग अलग जो है वो 7 कलर थीम हमें जनरेट कर दे दी है कि अगर रेड है और रेड से फिर थोड़ा अगर हम लाइट की तरफ जाए, लाइट की तरफ जाए फिर ब्लू स्टार्ट हो रहा है, वो पर्पल भी शो हो रहा है इसमें। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि कलर थीम भी हम बना के दे रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कलर थीम किसी दो कलर्स क्रिएट करना तो वो भी हम इजीली इस पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, और सेम मेथड इन सबको अगर अलग अलग यूज करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे ना, ओके करेंगे और फिर जो है वो सॉरी अनग्रुप भी से कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद जो है वो सेम किसी भी जो है वो सर्कल को जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बस यही आज आपको एक्सप्लेन करना था, ब्लेंड टूल की जो कुछ ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करने थे आपको। इससे बहुत अच्छा हम लाइन आर्टवर्क जो है बहुत अच्छा सा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।